मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की नव निर्वाचित सांसद मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची हैं। यहां उनसे सवाल किया गया कि हर बार बीजेपी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाता था, इस बार उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इस पर मेनका गांधी ने जवाब दिया कि सुल्तानपुर से पूछिए। मेनका गांधी ने जिले की कानून व्यवस्था पर कहा कि कानून व्यवस्था SP के ऊपर होती है, SP अच्छा हो तो कानून व्यवस्था ठीक होती है, SP ठीक नहीं हो तो हर रोज कहीं न कहीं अपहरण, धमकी, इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं। वहीं जिले के विकास कार्यों पर कहा कि विकास कार्यों की एक लिस्ट पहले से ही DM को सौंपी जा चुकी है, बड़े बड़े कामों की लिस्ट मेरे पास आई है, उसके अलावा कोई काम है तो मुझे बताइए, जैसे जैसे बताते जाएंगे हम करवाते जाएंगे। गठबंधन प्रत्याशी का नाम लिए बिना मेनका गांधी ने कहा कि हम सब एक होकर बाहुबलियों का आतंक कम कर देंगे। स्मृति को मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पहले यह मंत्रालय सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी के पास था। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात। स्मृति ईरानी ने शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से मुलाकात की थी। स्मृति ने इस मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की थी। मेनका गांधी ने 3 जून को कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। 4 जून को SP और पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी और जिले की कानून व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी। आपको बता दें कि मेनका गांधी को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसी चर्चा है कि पार्टी उन्हें लोकसभा स्पीकर बना सकती है। आपको ये भी बता दें कि इस बार मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की आपत्तिजनक पोस्ट देखने को मिली थी, जहां कुछ लोगों का दावा था कि इस बार मेनका गांधी इस बात से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में चली जाएंगी, तो वहीं लोगों का दावा ये भी था कि BJP गांधी परिवार को साइड में करने की कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।